जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड और नई जगह से। जगह है क्रिस बिहार, एरिया है जगतपुरा, प्रॉपर्टी है 111 गज की। डायमेंशन की बात करूं तो प्रॉपर्टी, अगर लैंड साइज की बात करूं तो लगभग 140 गज की जमीन है, पर इसमें जो पैसा मार्क होता है या पैसा काउंट कर रहे हैं या जो आस्किंग कर रहे हैं वो आती है आस्किंग 111 गज के हिसाब से। डुप्लेक्स है ये प्रॉपर्टी, बाहर से इसमें सीढ़ियां हैं, फ्रंट विजिबिलिटी प्रॉपर है, ये इसका पार्किंग स्पेस है, इसे ब्रॉड एंड बिग एरिया। और साइड में आप देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ ये है इसका ग्राउंड फ्लोर पे दो बेडरूम है, अंदर से बाहर से विजिबिलिटी है, ये बाहर से विजिबिलिटी है इसकी और इसकी अंदर से भी विजिबिलिटी है। सीढ़ियों पे प्रॉपरली किया है मार्बल का काम, 111 गज में आती है। फ्रंट आता है इसका 21 का, 21 के फ्रंट की ये प्रॉपर्टी है। और डेप्थ आती है इसकी समवेयर, मतलब लगभग मैं बात करूं 48 49 की। और उसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा जमीन आती है वो आती है लगभग 30 गज। बिल्डर की बनाई हुई कृति है, जिनका प्लॉट है उन्होंने ही इसे कंस्ट्रक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है, एरिया के हिसाब से अच्छा है, वर्क प्रोग्रेस में है, तो चीजें आपको हो सकता है उतनी क्लीन और साफ सुथरी ना दिखें। ये इसका ड्राइंग स्पेस है और ये है इसका वॉशरूम, ड्राइंग स्पेस के बिल्कुल बगल में है। और सामने आती है इसकी किचन, किचन का मॉड्यूलर होना बाकी है, मॉड्यूलर किचन के साथ ही इसको डिलीवर करेंगे। और मॉड्यूलर किचन की जो क्वालिटी आती है वो ऑलमोस्ट आती है लरांजा के इक्विवेलेंट, लरांजा है लरांजा के इक्विवेलेंट। ये सामने वेंटिलेशन के लिए स्पेस है, जो इस प्रॉपर्टी के बगल में काफी जगह है। कॉर्नर डुप्लेक्स नहीं है ये, पर कॉर्नर से ज्यादा अच्छा फील आता है। ये इसका फ्रंट वाला है बेडरूम, बड़े साइज का है काफी, और ये आता है इसका फ्रंट विजिबिलिटी से एक्सेस, ये वाला ब्रॉड एरिया है, प्रॉपर विजिबिलिटी है इसकी। और ये आता है इसका एक बैक साइड का बेडरूम, जैसा हमने कहा ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें काम चल रहा है, वुडन का काम प्रॉपरली चल रहा है, खिड़कियां दरवाजे वुडन कवर्ड वगैरह सारी चीजों का। यहां पे आके विला की सीमाएं खत्म होती हैं लगभग 111 गज की, और जिस स्पेस में हम खड़े हैं ये 111 गज के एक्स्ट्रा एरिया है, ये लगभग आपके 30 गज का एक्स्ट्रा एरिया है जो इस बिला के साथ एक्सेस मिल रहा है और बखूबी इस्तेमाल किया है इस एरिया का। जैसे ये इसका एक वॉशरूम है जिसको प्रिपेयर किया, और ये है इसका स्टोर रूम, और ये आता है आपका एक्स्ट्रा एरिया। आर्टिफिशियल ग्रीनरी के साथ आप इसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, चार चांद लगेंगे इस बिला की खूबसूरती में। प्राइस प्राइस के हिसाब से बात करूं, रेंज के हिसाब से बात करूं, आस्किंग के हिसाब से बात करूं, तो बहुत ही डिसेंट और शानदार आस्किंग रहने वाली है इसकी। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पे एक बार देख लेते हैं किस तरह के रूम बनाए। फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स बनाए हैं ऑलमोस्ट चार रूम बनाए हैं, 6 BHK आता है, 6 बेडरूम के टाइप में ये प्रॉपर्टी डिलीवर होती है। ये आ गया आपका फर्स्ट फ्लोर का ड्रॉइंग, और ये किचन वाला स्पेस है आपका। अगर आपको रिक्वायर्ड है डबल किचन की तो यहां आप किचन क्रिएट कर सकते हो, और नहीं है तो ये आपका एक बेडरूम हो जाता है। और ये फ्रंट वाला एरिया है, ये फ्रंट वाला बेडरूम है, ये आती है शानदार और चार्मिंग बालकनी। इस विला के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसकी बालकनी भी है। ये फ्रंट वाला एरिया आ गया और ये साइड वाला एरिया आ गया, ये एरिया है इसका। ईस्ट फेसिंग डुप्लेक्स है ये, और बनाते टाइम बहुत सारी चीजों का इसमें रखा है ध्यान। ये ग्राउंड फ्लोर की तरह आता है इसका कॉमन वॉशरूम, ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला एरिया है, तो ये आता है आप, ये आता है आपका बेडरूम। और इसके अलावा जो एक्सेस आता है वो आता है इसमें बच्चों के हिसाब से, ये है आपका स्टडी रूम, ये आता है एक एक्स्ट्रा स्टडी रूम आपका। ये जो बैक वाला एरिया है, जो एरिया इस
बिला के साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वो है, ये आता है इसका अटैच वॉशरूम। नंबर ऑफ वॉशरूम की बात करें तो इसमें चार आते हैं, और नंबर ऑफ रूम्स की बात करें तो इसमें आते हैं छह। किचन आती है इसमें एक, अगर आपको डुअल किचन बनानी है तो इसमें फाइव रूम आते हैं, स्टडी रूम अलग से आता है, किड्स रूम अलग से आता है, किचन आपकी डबल अलग से हो जाएगी। अब मोटे तौर पे बात आती है इसकी आस्किंग की, ये चार वॉशरूम के साथ आती है प्रॉपर्टी, चार बेडरूम के साथ आती है, फुली लोडेड चार बेडरूम, दो बेडरूम आते हैं इसमें एक्स्ट्रा, एक आता है आपका स्टडी रूम बच्चों के हिसाब से, और दूसरा जो आता है वो आता है इसमें किचन वाला ऑप्शन फर्स्ट फ्लोर पे। अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी आप किचन कर लेने में इंटरेस्टेड है, किचन बनाने में इंटरेस्टेड है, तो ये फाइव बेडरूम की प्रॉपर्टी है, और ग्राउंड फ्लोर पे आपकी एक किचन से काम चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है समवेयर आपके फाइव बेडरूम में। इस तरह की ये प्रॉपर्टी है। डुअल फ्लोर है, बाहर से इसमें सीढ़ियां हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत डिसेंट है, बिकॉज ऑफ ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, तो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस लेवल का वुडन, जिस लेवल की अलमीरा, जिस लेवल की वॉशरूम फिटिंग्स वगैरह, वो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी की है। जिस रेंज में बात कर रहे हैं वो और भी शानदार है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए इसकी आती है आस्किंग। एरिया आता है क्रिस बिहार, गेटेड है ये सोसाइटी, एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट है सोसाइटी से बाहर निकलने का, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है इस कॉलोनी में, पानी का अरेंजमेंट प्रॉपर दिया हुआ है, बीसलपुर की लाइन के कनेक्शंस भी पूरी कॉलोनी में आ रखे हैं, जगतपुरा का पॉश एरिया है, एसकेआईटी कॉलेज से 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है, शानदार है ये प्रॉपर्टी। विजिट में इंटरेस्टेड है, आपको ये प्रॉपर्टी देखने में इंटरेस्टेड है, तो नीचे दिए हुए आपके जो नंबर चल रहे हैं आप उन पे कॉल करें, डिटेल से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, और प्रॉपर्टी विजिट करके ज्यादा चर्चा करेंगे। अंत में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।